तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिग्विजय सिंह को चैलेंज करते हुए कहा कि आप जिन लोगों पर आरोप लगाते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि सभा के अंदर अगर आंख से आंख मिलाने का दम है तो सामने आइए। तो आइए सुन लेते हैं बीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है। दिग्विजय सिंह जी, आप जिन लोगों पर आरोप लगाते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं सभा के अंदर अगर आंख में आंख मिलाने की दम है तो सामने आइए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे इशारे पर चल रही थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उमंग सिंगार तुम्हारे कैबिनेट के मंत्री थे, कांग्रेस के वो कहते थे इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू माफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश के अंदर, वो कांग्रेस के मंत्री ने कहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा छतरपुर के लवकुश नगर पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम बहना रूबीना को लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र दिए। तो वहीं इस दौरान बीडी शर्मा ने कहा कि 1,000 रुपये लाडली बहना योजना को मिलेंगे। तो मैंने यूं ही पूछा, पहला सर्टिफिकेट किसे दे रहे हैं? मेरी बहन रूबीना को सबसे पहले दे रहे हैं। बीजेपी कौन किस समाज का है, कौन किस जाति का है, ये नहीं देखती। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करती है। बताइए 1,000 रुपए लाडली बहना योजना में मिलेंगे तो हमने ये नहीं पूछा पहला सर्टिफिकेट किसको दे रहे हैं, तो मेरी बहन रूबीना को दे रहे हैं। कौन किस समाज का है, कौन किस जाति का है, ये नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर धर्म को उत्थान करने का काम करना है। तो मेरी बहन रूबीना आज 1,000 रुपए के उन्हें हम ये स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। मेरी बहन आपके जीवन में भी खुशी आएगी और माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आपके जीवन में भी खुशी के पर्व चढ़ा रहे हैं।